भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम सिने आजकल विज्ञापन इंटरव्यू फिल्म प्रमोशन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सी हेक मीडिया मोबाइल नंबर 9350816300 ईमेल आईडी है सिने आजकल इंडिया @gmail.com। प्रणाम नमस्कार, मैं सिंगर सुनील दीवाना सीएम इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को हमारे तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। यह चैनल दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जय हिंद जय भारत। नमस्कार, सीने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चले रुक करते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। गुजरात की दो दिवसीय यात्रा के तहत पीएम नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने साबरमती आश्रम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गोरक्षा के नाम पर किसी की भी हत्या स्वीकार्य नहीं है। पीएम ने कहा कि गांधी जी और विनोबा भावे से गोरक्षा सीखनी चाहिए। बता दें कि साबरमती आश्रम इस वर्ष अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा है। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी नहीं लिख पाई स्वच्छ, सोशल मीडिया पर उठे सवाल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तस्वीर 27 जून की है, जब दिल्ली से सांसद और मशहूर वकील मीनाक्षी लेखी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की तरफ से एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ में एनकाउंटर के दौरान 100 जवानों की हत्या के मास्टरमाइंड माने जाने वाले माओवादी कमांडर को गोली लगने की खबर है। 24 जून को सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार चलाया गया था। नक्सली ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए इस ऑपरेशन में तकरीबन एक दर्जन माओवादियों के मारे जाने की खबर है। इलाज के बाबत कुवैत के सुल्तान शेख शबा अल अहमद अमीर ग्रेटर नोएडा के जेपी अस्पताल में भर्ती हुए हैं। कई बीमारियों से पीड़ित अमीर के साथ उनका पूरा परिवार उनके साथ भारत आया है। परिवार में उनकी 8 बेगमें और परिवार के अन्य 28 सदस्य भी हैं। वे कुवैत के राष्ट्रीय प्रमुख भी हैं। सिक्किम बॉर्डर पर भारत और चीन की सेना आमने सामने खड़ी है। इसके चलते हालात की समीक्षा करने आर्मी चीफ बिपिन रावत सिक्किम पहुंचे। इस बीच चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने भारत से अपनी सेना को तुरंत वापस बुलाने की मांग की है। मोतिहारी से हमारे संवाददाता रंजीत तिवारी ने बताया कि जिले में संग्रामपुर प्रखंड के तिवारी टोला में स्थित सामुदायिक भवन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। इस मामले में मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्य ने संग्रामपुर ब्लॉक में आवेदन देकर अतिक्रमण हटाने की मांग की है। भोजपुर में बिहार राज्य कर्मचारी संघ ने किया 2 दिवसीय हड़ताल। सदर अस्पताल की व्यवस्था हुई बद से बदतर। इलाज के लिए मरीज भटक रहे हैं इधर उधर। सीएस के कैंप के बावजूद भी मरीजों को राहत नहीं मिल रही है। एयर इंडिया को खस्ता हालत से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने महाराजा की हिस्सेदारी को बेचने का फैसला लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पहले ही केंद्र से इसके विनिवेश को मंजूरी देने की सिफारिश की थी। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों पर अपने पैन नंबर को आधार से जोड़ने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय बजट से किए गए प्रावधानों के चलते आधार और पैन जोड़ने की मियाद अब से कुछ घंटों में खत्म होने जा रही है। 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न भरने और नया पैन नंबर प्राप्त करने के लिए 12 अंक का आधार नंबर देना अनिवार्य हो जाएगा। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने ग्राहकों के लिए नया 666 रुपये का प्लान लॉन्च किया। इसके तहत ग्राहक अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ साथ रोजाना 2GB 4G डेटा का फायदा भी उठा सकते हैं। आपको बता दें कि इस पैक की वैधता 60 दिन की है और इसके तहत ग्राहकों को कुल 120GB डेटा मिलेगा। ओडिशा के मयूरभंज जिले में एक अमानवीय घटना सामने आई है। यहाँ एक महिला समेत 4 होमगार्ड्स को घुटने के बल बैठाकर और हाथ ऊपर करा के सजा दी गई। इनकी गलती बस इतनी थी कि ये लोग पूरी वर्दी के बिना ही ड्यूटी पर आ गए थे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को व्हाट्सएप की एक पोस्ट में पप्पू बताने के कारण हाल ही में विवादों में आने के बाद कांग्रेस के एक नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे गए इस्तीफे में मेरठ के पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष विनय प्रधान ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उनसे सभी पार्टी पद छीनने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का समुचित मौका नहीं दिया गया है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में भीड़ की हिंसा का शिकार हुए जुनैद मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं इस मामले में CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस और आरोपियों की तलाश में लगी है। सभी आरोपी मृतक के गांव के पास के ही होटल के रहने वाले हैं। टीम इंडिया के पूर्व डायरेक्टर रवि शास्त्री ने भी भारतीय टीम के कोच पद के लिए आवेदन दे दिया है और अब खबरें हैं आ रही हैं कि शास्त्री को भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने आवेदन देने के लिए राजी किया है। सचिन तेंदुलकर के कहने पर ही शास्त्री ने भारतीय टीम के कोच पद के लिए आवेदन दिया है।
अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का कुछ दिन पहले ट्रेलर रिलीज किया गया जो काफी हटके और दिलचस्प दिखाई दे रहा था। टाइटल की घोषणा के साथ ही फिल्म ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था और फिर ट्रेलर भी खूब पसंद किया गया और अब फिल्म का एक रोमांटिक नंबर हसमत पगली रिलीज हुआ है। सलमान खान की ये ईद काफी फीकी रही है क्योंकि उनकी फिल्म ट्यूबलाइट जलने से पहले ही बुझ गई। सलमान की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई और इसी के साथ उनके लिए एक और बुरी खबर आ रही है। वीकेंड पर ठीक ठाक कमाई करने के बाद लग रहा था कि सलमान की ट्यूबलाइट जल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मंगलवार को ये फिल्म सिर्फ 12 करोड़ का ही बिजनेस कर पाई। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतने। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, मैं शशिकांत गुप्ता अवध सत्तू के पूरे परिवार की तरफ से सीएम इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यह चैनल जन जन तक पहुँचे, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हाँ, तो देखते रहिए सीएम इंडिया टीवी, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ।